हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन के लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल मिठाई, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। कम टाइम कम सामान में इतना टेस्टी मिठाई बनके तैयार होता है, एकदम मार्केट के जैसा बनता है और मुंह में एकदम घुल जाने वाली ये मिठाई है। जिसे भी खिलाओगे वो तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो चलिए बिना देर किए इस मिठाई की रेसिपी को हम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम क्या करेंगे, आधा लीटर हमने दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है, और ये सारे दूध को हम डाल लेते हैं कढ़ाई में और गैस पे चढ़ा देंगे। तो क्या करें, गैस पे चढ़ाने के बाद ये दूध तब तेज़ फ्लेम पे ही इसे उबाल आने देते हैं। तब तक कि इधर हमने लिया है आधा 250 ग्राम पनीर, और पनीर को हम इस तरीके से हाथ से क्रम्बल कर देंगे। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे मसल के। अगर आप चाहो तो घर के भी पनीर बना के ले सकते हो, जो दूध फाड़ के, मैंने मार्केट से लिया है, ये भी अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मैंने पनीर को कर लिया है। इधर हमारा दूध भी देखिए उबल चुका है। इसी तरीके से हम तेज़ फ्लेम पे ही दूध को हम जलाएंगे। तो दूध हमारा धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए लगातार जला लेते हैं। तो दूध देखिए हमारा जल के आधा हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम डाल लेंगे ये हम पनीर जो हम क्रम्बल करके मैश करके रखे थे, ये हम डाल लेंगे। तो सारे पनीर को डाल लेंगे, तब तक कि हमारा गैस का फ्लेम एकदम धीमा हुआ है, और इधर मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। और मीठे के लिए हमने आधा कप चीनी यूज़ किया है। आप चाहे तो इससे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतना मीठा ठीक लगता है ये मिठाई। ज़्यादा मीठा ये मिठाई अच्छा नहीं लगता है। तो हमने इस तरीके से सारे को मिठाई को मिक्स कर लिया है, सारे चीज़ को, और फिर गैस की फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे, लगातार चलाते रहेंगे। अब फिर से हम इसमें एक ये दूध की पाउडर, मिल्क पाउडर ऐड किया है 1/4 कप, और इसे भी डाल लेते हैं और मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दूध हमारा जल चुका है, ये पानी भी। इसमें फ्लेवर के लिए हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, और फिर मिक्स कर लेंगे। ये दूध की पानी जल चीनी जो पानी छोड़ा है वो भी थोड़ा सा जलने के बाद जलने तक इसे हम सुखा लेंगे। तो ये देखिए सूख चुका है पानी इसकी। अब ज़्यादा इसको हम नहीं सुखाएंगे, बस इस तरीके का हमारा मिश्रण होना चाहिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर हमने लिया है एक ट्रे, आप चाहे तो थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। इसे हम घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे, ताकि ये जब हम मिठाई निकालें तो इजली इससे बाहर निकल जाए। तो हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया है। अब ये सारे मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे। तो सारे मिश्रण को हम डाल लेते हैं, और फिर थोड़ा सा ये गर्म ही है तो स्पैचुला से ही इसे इक्वल हम इसे फैला लेंगे। कहीं से भी मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, इक्वल पार में हमें इसे डिवाइड आदि कर लेंगे, फैला लेंगे। तो ये और दबाते हुए अच्छे से रख कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से हमने सजा लिया है। अब हम इसे स्पैचुला से हमें दबा देते हैं थोड़ा सा, ये भी इसके में अच्छे से सेट हो जाए। और थोड़े देर के लिए, आधा एक घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, ताकि ये ठंडा होने के बाद अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए आधे घंटे बाद ये हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे कट लगा लेंगे, और ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली ऐसी मिठाई आपको बहुत ही महंगी मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार इस रेसिपी को इस रक्षाबंधन पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मेरा ये फेवरेट मिठाई है।
तो हमने इस तरीके से कट कर लिया है और इसे हम इस तरीके से फिर निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी, देखा ना आपने कितना आसान है बनाना। तो कोई भी इस मिठाई को बना सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए।